अटैक कर चुका है। कोरोना से बचने के लिए भारत की युद्ध स्तर पर तैयारियों के बीच ये मामला चिंता जरूर पैदा करता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। और आज हम आपको जेजे हॉस्पिटल और ग्रैंड मेडिकल कॉलेज का कैंपस टूर करवाएंगे। सो बी विद अस। ये हम लोग गेट नंबर 9 से एंटर करेंगे ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में, और ये गेट 24 आवर्स खुला रहता है। सो लेट्स गो। मेडिकल कॉलेज का आई बैंक है और उसके पीछे ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है। एंड दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया आपको, दिखाने वाला हूँ। मतलब दिस इज़ द मोस्ट जे हॉस्पिटल, यू कैन सी राइट नाउ। हॉस्पिटल 7 फ्लोर्स का है और इसे आप देख सकते हैं। दिस इज़ द गोल गार्डन एंड एग्जैक्टली सामने है अपना एम्फी थिएटर, जिसे बास्केटबॉल ग्राउंड भी बोलते हैं। है ग्रांट मेडिकल का पीजी डॉक्टर्स का रेजिडेंट कैंटीन, मतलब यहाँ पे रेजिडेंस भी है एज वेल एज कैंटीन भी है जो सेकंड फ्लोर पे। तो इसकी हमारे जेजे हॉस्पिटल का आहार विभाग जहाँ पे पेशेंट्स के लिए खाना बनाया जाता है। हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है और इसके एग्जैक्टली अपोजिट है मेन ओपीडी, जहाँ पे हर रोज 3000 पेशेंट्स आते हैं अप्रॉक्सिमेटली। और उसके ही एग्जैक्टली साइड में है रुग्ण वाई का विभाग, जहाँ पे सारे एम्बुलेंस खड़े रहते हैं। ओनली कार्डियक एम्बुलेंस जो यहाँ पे खड़ी है, स्पेशलिटी है इस हॉस्पिटल की। मेन ओपीडी बिल्डिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी से, और इसके सामने जैसे कि आपको बताया मैंने हॉस्पिटल का एंट्रेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जमशेदजी डी जोबोई का स्टैचू है वहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कॉलेज की गायनेक बिल्डिंग, और यहाँ पे भी पेशेंट इनफ्लो बहुत रहता है हर रोज। और दिस इज़ द वे टू द हॉस्पिटल। सो और यहाँ हम अभी जस्ट हॉस्पिटल से यहाँ से आए। बाराम इमारत बोलते हैं इसे, और ये गैनक के वार्ड यहाँ पे होते हैं। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं मेट्रन्स ऑफिस है। और ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ये गेट नंबर 12 है और यहाँ पे ATM है। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे PSM डिपार्टमेंट है और न्यूरोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट एंड साइथोलॉजी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे। और ये है FMT फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे। और उसके एग्जैक्टली सामने आप देख सकते हैं ये है बॉयज़ कॉमन रूम, जिसे बोलते हैं BCR एब्रिविएटेड फॉर्म में। और दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट रूम ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉमन रूम जहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे अंदर कैसा है। काफ़ी खाली खाली है आज, कम लोग And this is the old boys hostel. हम लोग अभी कैंटीन से प्रोसीड करके यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द सेंट्रल लाइब्रेरी और डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, उसके ऊपर के फ्लोर पर है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इससे हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैडेवर्स,
जिसे लेमैन की लैंग्वेज में डेड बॉडीज भी बोलते हैं, उन्हें यहाँ डोनेट किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द हॉस्पिटल एंड फॉर द यूज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेजेस फॉर डिसेक्शन पर्पजेस। तो दिस इज इट, और दिस इज द एनाटॉमी डिपार्टमेंट, और ऊपर है डिसेक्शन हॉल। और जहाँ पर डरावने कैडावर्स रहते हैं, और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे आके डिसेक्शन करते हैं, और यहाँ पे पता नहीं कुत्तों क्या होता है। और एनाटॉमी हॉल जहाँ पर मुन्ना भाई MBBS का शूटिंग हुआ था। By the way, do like, comment and subscribe and share as much as possible. Roll up sleeves, yeah. 24 can smile and mash your sweat ass. Gummers in his hair, yeah. Drink with his name, but he ain't none. Ain't got black and a letters on his fingers, we got trouble. डिपार्टमेंट अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की ओर, सो लेट्स गो। और ये है हमारा गणेश मंदिर। यहाँ पे है हमारा RM भट्ट हॉस्टल, और इसके साइड में ही है RM भट्ट कैंटीन। यहाँ पे बहुत झाड़ी है इसलिए आपको दिखा नहीं इजीली। इसके एग्जैक्टली अपोजिट हमारा अपना बॉयज हॉस्टल क्रिकेट टर्फ भी है। एंट्रेंस तो नहीं है, साइड एंट्रेंस। The Grand Medical College Students Association Gymkhana, and this is our football enclosure, and that is the cricket ground there. So that's all for now. As you can see, ye hamara 5 each. DJ boys, जबरदस्त।